प्रेस द बेल आइकॉन एंड नेवर मिस एनी अपडेट। चाक दामन रफू करके लिखता हूँ मैं, जख्मों से गुफ्तगू करके लिखता हूँ मैं। चाक दामन रफू करके लिखता हूँ मैं, जख्मों से गुफ्तगू करके लिखता हूँ मैं। दर्द गाने को भी हौसला चाहिए, आंसुओं से वजू करके लिखता हूँ मैं। कुमार मिश्रा जी ने कहा है कि आपको तालियां बजानी चाहिए, क्योंकि बाजू वाले के पास बैठ के आप ताली हो जाएंगे तो बाजू वाले को ऐसा लगेगा कि उसको कुछ ऐसी चीज समझ में आ गई जो मुझे नहीं आई। तो ये बात का खास ख्याल रखें। और एक गजल है मुख्तसर सी, उसके मुझे प्रिपरेशन नहीं थी इसलिए देख के बोलना पड़ रहा है, माफी चाहूंगा। तो मतलब दे रहा था तू मुझको दुआ, क्या हुआ? दे रहा था तू मुझको दुआ, क्या हुआ? देते देते मगर रुक गया, क्या हुआ? दे रहा था तू मुझको दुआ, क्या हुआ? देते देते मगर रुक गया, क्या हुआ? और ये शेर है कि देखा आंखों ने ऐसा कि झुंझला गया, देखा आंखों ने ऐसा कि झुंझला गया, इन दियों के लबों पर हवा, क्या हुआ? देखा आंखों ने ऐसा कि झुंझला गया, इन दियों की लगों पर हवा, क्या हुआ? और घर की छत से जो सन्नाटे चीखा किए, घर की छत से जो सन्नाटे चीखा किए, कोई आती नहीं अब सदा, क्या हुआ? कोई आती नहीं अब सदा, क्या हुआ? ये आखिरी फिर से, घर की छत से जो सन्नाटे चीखा किए, कोई आती नहीं अब सदा, क्या हुआ? और ये शेर बतौर खास, कुछ खबर ही नहीं बीती शब, क्या हुआ? कुछ खबर ही नहीं बीती शब, क्या हुआ? तू बता जाए बादे सबा, क्या हुआ? सब क्या हुआ? तू बता जाए बादे सबा, क्या हुआ? मैं बदन से भी ये पूछता ही रहा, मैं बदन से भी ये पूछता ही रहा, रास आती नहीं अब दवा, क्या हुआ? मैं बदन से भी ये पूछता ही रहा, रास आती नहीं अब दवा, क्या हुआ? और इसमें काफी मैंने बगावत की, माफी चाहूंगा। मैं आखिरी शहर मरता, मेरे लब पे जमी तेरे लब पे जमी, मेरे लब पे जमी तेरे लब पे जमी, देखता रह गया आसमां, क्या हुआ?